बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन रेडार सेटेलाइट आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि शदीद गर्मी और हब्स के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शदीद गरज चमक के तूफ़ान और गहरे बादल तश्कील पाने और मुख्तलिफ़ मकामात पर आंधी के साथ बारिश और ओले पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी शिदत और फैलाव में आने वाले चंद घंटों के दौरान मज़ीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान आज रात से एतवार 11 जून के रोज़ कश्मीर गगा बल्तिस्तान पिशावर बनू कोहाट डेरा इस्माइल खान टांग समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में खुसदार दादू जूही शहदाद कोट नवाबशाह डिवीजन समेत सुबह बलोचिस्तान और सुबह सिंध के बाज़ इलाकों में भी और मियांवाली भक्कर लैया लाहौर नारवाल सियालकोट कुशरावाला गुजरात फैसलाबाद साहिबाल सरगोदा मुल्तान डीजी खान बहावलपुर डिवीजन समेत जनूबी बस्ती और बालाई पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में भी शदीद गरज चमक और तूफानी आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने की तवक्को। मुल्क के दीगर ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। तहम खतरनाक अलर्ट के भीरर में मौजूद खतरनाक समंदरी तूफान बिपर जाए के जेर असर कराची में सुबह सिंध और बलोचिस्तान में 13-14 जून से और मुल्क के दीगर ज्यादातर इलाकों में प्री मानसून हवाओं के बायस 15 जून के बाद तूफानी बारिशें शुरू होने का इम्कान बन चुका है।